ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से मुंब्रा शहर में अवैध निर्माण को लेकर जो है पत्रकारों को धमकी दी गई थी, उसके बाद पत्रकार जो है धरने प्रदर्शन पर बैठ गए थे, उसके बाद मनपा कर्मियों ने जो है उस अवैध निर्माण को जो है तोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि मुंब्रा शहर में किस तरह से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, तोड़क कार्रवाई किस तरह से हो रही है और क्यों नहीं बिल्डरों पर जो है गुनाह दाखिल हो रहा है। इसके लेकर जो है आज मुंब्रा प्रभाग समिति ने जो है मुंब्रा के प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने से जानकारी लेते हैं कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो क्या बताना चाहते हैं। सर, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं जैसे कल ऐलान किया था वैसे आज भी उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, और जो MRDP दाखिल करने का सवाल है वो तो ऑलरेडी मेरा काम 10 दिन से चालू है और सबके ऊपर एक 8 दिन के अंदर हो जाएगी MRDP दाखिल। और मुंब्रा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुंब्रा की आवाम चाहती है कि मुंब्रा का मेन रोड हॉकर्स फ्री हो, लोगों को चलने में राहत मिले और इलीगल कंस्ट्रक्शन ना बने, जैसा लकी कंपाउंड का हुआ था अच्छा वैसा ना दोबारा हो। तो मैं जितने दिन भी यहाँ रहूँगा पब्लिक जो चाहती है वही मैं करूँगा। सर, आप बता रहे कि आप जब से आए हैं तो आपने ज़्यादा कार्रवाई की, आपने कौन कौन सी कितनी कितनी बिल्डिंगों पर कार्रवाई की है और कितने झोपड़ों पर कार्रवाई की है, हाथगाड़ियों पर कितनी कार्रवाई अब तक की है? मैंने अभी फिगर बताया था आपको, वो लिखे दिए हैं, उनसे ले लेना, नहीं तो राइटिंग में आपको देता हूँ। मैंने देखो 50 के ऊपर RCC कंस्ट्रक्शन तोड़े हैं आज तक, 4,500 के ऊपर मैंने हॉकर्स हटाए है, 4,700 बैनर हटाए, 32 लोगों के ऊपर FIR दाखिल किए बैनर के और 353 के दाखिल किए। सर, आपके इतनी कार्रवाई जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि इतनी कार्रवाई आपने की है, लेकिन इसके बावजूद जो मुंब्रा शहर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका आरोप ये है कि जो है मनपा कहीं ना कहीं अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम है। आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? दोबारा भी बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण बन रहे हैं, फिर आप उन पर किस तरह से और आगे कार्रवाई करेंगे कि आपकी कार्रवाई और तेज होगी? इससे इसके पहले भी हमने कार्रवाई की, मेरे स्टाफ के ऊपर 2 हमले हुए थे इसके पहले भी, उसमें पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज है और इसके बाद भी कार्रवाई जोर से चालू होगी, कोई कंस्ट्रक्शन बनेगा नहीं मेरे कार्यकाल इतने में कहना चाहता हूँ। सर, जो दारुल फला मस्जिद है उसके बाजू में जो दुकानें बनने की बात सामने आ रही है, तो क्या वहाँ पर दुकानें वो बनेंगी? वो बनेगी यानी रोड वाइंडिंग में जो दुकानें गई है और थोड़ी सी जगह उनको बची है, तो बची हुई जगह पे दुकान बनाने का परमिशन मैंने ऑनरेबल कमिश्नर सर से लिया है। ऐसी भी जानकारी आ रही है कि कोर्ट में केस है उसके बाद? नहीं, 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 कोर्ट में कोई केस नहीं है, सब खारिज हुआ है, ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो अभी आपकी किस तरह से जो है कार्रवाई रहेगी मुंब्रा शहर में, और जो रोड के साइड में जो पार्किंग इलीगल तरीके से हो रही है उस पर आप लोगों को किस तरह? पार्किंग के बारे में मैं ट्रैफिक पुलिस से कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई करने वाला हूँ, इसलिए हम लोग ट्रैफिक पुलिस जो लंबाते सर उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जो है अभी मनपा का काम चालू है इसलिए हम लोग जो हटा नहीं सकते, जो है बनेगा वो तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। DP रोड का काम चले इसलिए, लेकिन मैं कल ही ट्रैफिक पुलिस को लेटर देने वाला हूँ कि ज्वाइंट कार्रवाई रखो, आपको जब भी कॉरपोरेशन के थ्रू कोई मशीनरी या मैन पावर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ, मेरा स्टाफ भी आपको दूंगा। सर, जो इलीगल सर्विस सेंटर है उस पर आपकी कार्रवाई कब होगी? उसके ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई की है, वो भी ठीक है, वो भी कल से चालू कर देता हूँ। सर्विस सेंटर जितने मिले ऑलरेडी कम से कम 10 ऑर्डर निकाले सर्विस सेंटर के ऊपर कार्रवाई करने के, तो अभी कर देता हूँ कल से चालू। नहीं नहीं, उनके ऊपर गुनाह नहीं कर सकते, उनके ऊपर मुंबई पुलिस एक्ट के थ्रू पुलिस का राइट्स है गुनाह दाखिल करने का, कॉर्पोरेशन उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी हटाने की। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो मुंब्रा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर है उनका कहना है कि जिस तरह से मुंब्रा शहर में इलीगल सर्विस सेंटर और अवैध निर्माण जारी है उन पर अब मनपा की तरफ से हथौड़ा चलना अब शुरू हो जाएगा। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।